नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है फोम फील्ड्स का इस्तेमाल करें। फोम फील्ड्स जो है वो कंपोनेंट है एक मटेरियल एंगुलर का। तो हम लोगों के पास देखिए फोम फील्ड है यहाँ पर, और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हम लोग इसको फोम फील्ड को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होगी API की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर फोम फील्ड को, और हमारे जो मॉड्यूल फाइल है हमारी उसमें हम लोग जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मैट फॉर्म फील्ड का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर मैट फॉर्म फील्ड को हम लोगों को क्या करना होगा, इंपोर्ट्स के अंदर भी ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट्स के अंदर भी इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए एक एरर दिखा रहा है, मैट फॉर्म फील्ड। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, फिर से हम लोग ये ओपन करते हैं। तो API को मैंने यूज़ कर लिया है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। हम लोगों को ये फील्ड जो है आउटलाइन वाली ये यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड पार्ट पर जाएंगे और लास्ट वाला जो फॉर्म फील्ड है मैट फॉर्म फील्ड, ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ये कर लेंगे, जस्ट कॉपी। और यहाँ पर आप लोग जो है मैट फॉर्म फील्ड से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैट फॉर्म फील्ड जो है अपीयरेंस आउटलाइन मैट लेबल आउटलाइन फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं, जो हम लोगों ने API यूज़ की थी लास्ट टाइम में यूजर्स वन की, तो यहाँ पर हम लोग नेम डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है नेम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इनपुट मैट इनपुट हो गया, प्लेस होल्डर हो गया यहाँ पर नेम। ठीक है, तो प्लेस होल्डर की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को API से डाटा गेट किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम में। मैट आइकन ज़रूरत नहीं है, मैट आइकन की हम लोगों को, मैट हिंट भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इनफ है हमारे पास। ठीक है, मैट इनपुट। अब हम लोगों को यही जो मैट फील्ड है, ठीक है, ये हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए है एक बार के लिए हम लोग मैट इनपुट भी देख लेते हैं। कोई देखिए यहाँ पर मैट इनपुट है हमारे पास। तो हम लोग मटेरियल कंपोनेंट पर दोबारा से चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास डेट पिकर मैट फॉर्म फील्ड हो गया, हमारे पास मैट आइकन हो गया, मैट इनपुट भी है हमारे पास। ठीक है, तो इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, कुछ है, यस मैट इनपुट मॉड्यूल, ये भी आप लोग ऐड कर दीजिए, क्योंकि मैट इनपुट हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए दोबारा से, ये देखिए मैट इनपुट हम लोगों ने यूज़ किया। तो मैट इनपुट के रिगार्डिंग हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, एग्जैक्टली ये यूज़ करना होगा। ठीक है, मैट इनपुट मॉड्यूल, हम लोगों ने मैट फॉर्म फील्ड यूज़ किया, मैट इनपुट मॉड्यूल भी हम लोगों को यूज़ करना है एज यूजल। तो इम्पोर्ट्स के अंदर इसको भी ऐड कर दीजिए, ये देखिए कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, लास्ट टाइम हम लोगों ने API गेट की थी, API जो है हम लोगों को व्यू एम्प्लॉई डॉट TS हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने कंसोल डाटा के अंदर वो चीज़ें ली थी, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, एरे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं यूज़र के नाम से, और वो हो जाएगा हमारा एनी कोई भी। ठीक है, तो हम लोग ये जो एम्प्लॉय डाटा है हम लोग यूज़र में डाल देते हैं, ये चीज़ यूज़र। ठीक है, और यूज़र जो है वो एनी टाइप है, यानी एरे टाइप है। अगर हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं 1x1 प्रॉपर्टीज़, तो 1x1 प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। यूज़र को हम लोग क्या बना देते हैं, एक एरे बना देते हैं, किस टाइप का है, ये तो एनी हो गया, और इसमें हम लोग ये डाटा डाल देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने डाल दिया नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा, और ऑप्स नेम, इसमें हम लोगों को ऐसे डालना पड़ता है। ठीक है, अरे उप्स इनिशियलाइज करना है। ठीक है, नेम हो गया। सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर और भी कुछ है, नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, ये दोनों डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेम हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया यूज़र नेम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नेम एंड यूज़र नेम। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। नेम एंड यूज़र नेम हो गया, तो यहाँ पर आप लोग देखिए यूज़र के अंदर आप लोगों को ये एम्प्लॉई डाटा पेस्ट करना है। तो दिस डॉट यूज़र इक्वल्स टू एम्प्लॉई डाटा। तो आप लोगों ने एम्प्लॉई डाटा को यूज़र में पास कर दिया। यहाँ पर लास्ट वीडियो में आप देखिए मैंने कंसोल पे पास किया था। तो एम्प्लॉई फील्ड जो फॉर्म फील्ड है वो उसका इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैट इनपुट के साथ हम लोग जो है बनाना बॉक्स में लेकर एनजी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और उप्स ये ज़्यादा हो गया, एनजी मॉडल
इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ओप्स, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, अरे यूजर डॉट नेम, ठीक है, एक नेम फील्ड और लगा देते हैं इसमें, नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हो गया आप लोगों के पास। अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल को ऑन करते हैं, न्यू टर्मिनल और ng serve करने के बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों के नेम फील्ड के अंदर वो नेम आ जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से सर्व हो जाए। ng फॉर्म फील्ड हम लोगों ने यूज़ किया और मैट इनपुट का जो मॉड्यूल है वो भी हम लोगों ने यूज़ किया, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों के पास मैट फॉर्म, अगर आप लोग ng फॉर्म फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को मैट इनपुट भी यूज़ करना होगा साथ में, तो ये दोनों मॉड्यूल आप लोगों को इंपोर्ट करने होंगे, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप लोग ng फॉर्म फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार के लिए कंपाइल तो कर लिया, 4200 ही होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको लोकल होस्ट के ऊपर रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 4200, तो यहाँ पर हमारे पास है em employee list/1, ये दोबारा से रिडायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल, यहाँ पर देखिए ये एरर है, कैन नॉट मैच एनी राउट्स एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ वन, तो हमारे पास क्या है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को राउट्स में जाकर, एम्प्लॉय इसी में हमारे पास राउट्स भी सारे के सारे, तो एम्प्लॉय लिस्ट्स ये है हमारे पास, ठीक है, तो एम्प्लॉय लिस्ट्स /1, देखिए जैसे ही मैंने राउट किया तो यहाँ पर भी नेम भी आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे मैंने फॉर्म फील्ड जो है वो इस्तेमाल किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंगल डाटा को कैसे गेट करें, तो ये हमारे पास फॉर्म फील्ड आ गई है, ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा आप लोगों को करना होता है, मैट फॉर्म फील्ड, मैट इनपुट, ये दोनों के मॉड्यूल आप लोग ऐड कर दीजिए और ये ऐड कर दीजिए और इसमें ng मॉडल के साथ ये बाइंड आप लोग कर दीजिए, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, यूज़र ऑफ टाइप कोई एरिया वगैरह नहीं लिया, मैंने नेम एंड यूज़र नेम ले लिया और इसको यूज़र के अंदर एम्प्लॉय डाटा पास कर दिया, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि मैट इनपुट जो है, मैट फॉर्म फील्ड हम लोग कैसे काम में लेते हैं और उसको API डाटा जो है उसके साथ कैसे बाइंड करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।